आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम। आज मैं ऐसी पत्रिका पर चर्चा करूंगी जो दिल्ली से पहली पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसका नाम था उत्थान। आज हम उत्थान के बारे में जानेंगे और देखेंगे उत्थान कब से निकलती थी। मीडिया का काम सूचित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना, सामाजिक विकृतियों को दूर करना, सामाजिक मूल्य स्थापित करना, सृजनात्मकता पैदा करना, दिशा निर्देश देना तथा लोक चेतना पैदा करना होता है। 1960 के इर्द गिर्द दिल्ली में मात्र दो ही समाचार पत्र निकलते थे, नव भारत टाइम्स व दैनिक हिंदुस्तान। दलित नव भारत टाइम्स अधिक पढ़ते थे। इसी समाचार पत्र में नौकरी की खबरें भी छपती थी, जिनका लाभ समाज का प्रत्येक तबका उठाता था। उस समय दलित पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में जा रहे थे। दलित समाज की महिलाएं अशिक्षित हुआ करती थी। पुरुष वर्ग बाबा साहेब के नाम पर संस्थाओं पर संस्थाएं बना रहा था। मुख्य धारा का मीडिया दलितों की उल्टी खबरें छापकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। छुआछूत, बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, बलात्कार, चोरी, डकैती उस समय दलितों के साथ खूब होती थी। राजनीतिक स्तर पर बाबू जगजीवन राम की अच्छी खासी चलने लगी थी। अपने समाज को जागृत करने और मुख्य धारा के मीडिया की पोल खोलने के हिसाब से राय सिंह के संपादन में सामाजिक उत्थान नामक पत्रिका नवंबर 1959 को दिल्ली से प्रारंभ की। उस समय ऐसी पत्रिका का मूल्य 25 पैसे हुआ करता था। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर बाबा साहेब, डॉक्टर अंबेडकर व तथागत बुद्ध के चित्र होते थे। पत्रिका के मुख्य लेखक सोहनलाल शास्त्री व गुरुप्रसाद विद्यार्थी हुआ करते थे। अंक 9 की संपादकीय अपनी सहायता स्वयं करना सीखें बहुत सोच विचार कर लिखी गई है, स्वाभिमान की प्रेरक है। संपादक की दृष्टि स्पष्ट करती हुई उसकी पत्रकारिता को दर्शाती है। वैसे प्रत्येक अंक के संपादकियों से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती थी। पत्रिका की नीति का ज्ञान होता था। पत्रिका की विषय सामग्री भी बड़ी स्पष्ट काट झाट के छपने योग्य तैयार की जाती थी। पत्रिका का मूल उद्देश्य बाबा साहेब व तथागत बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाना था, अपना जनमत तैयार करना था, शिक्षा के लिए युवा वर्ग को तैयार करना था। उस समय पत्र पत्रिका निकालना एक जोखिम भरा काम था। पाठक कम मिलते थे, श्रोता ज़्यादा होते थे। ये हमेशा लोक साहित्य को ज़्यादा महत्व देते थे। गांव देहातों से चलकर महानगरों के फुटपाथों पर परसने के कारण बाबा साहेब के मिशन को समझने लगे थे। अपने बच्चों को पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया था। दिन भर काम करने के बाद शाम को 10-20 लोग एकत्र होकर रागनी गीत गाते थे, ढोलक बजाते थे। उस समय दलितों का प्रचार तंत्र लोक साहित्य ही हुआ करता था। शहादरा में चौकड़ी पर चौकड़ी जमती थी। बिहारी लाल हरित भी कभी कविता सुनाते थे तो कभी गीत।
पर जहाँ लोग उत्थान को लेकर जाते वहाँ वहाँ सदस्य बन जाते, पर पत्रिका के सामने आर्थिक संकट हमेशा बना ही रहता था, क्योंकि सदस्यता पर पत्र पत्रिका नहीं चलती। पत्रिका को चलाने के लिए विज्ञापनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्रिका अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से निकलती थी। परिगणित जाति कल्याण संस्थान की यह पत्रिका मुख्य पत्र थी। सम्राट प्रेस पहाड़ी धीरज दिल्ली से छपती थी। उस समय दलितों की यह पहली एकमात्र पत्रिका थी। दलित दिल्ली जागृति का एक मंच था। अप्रैल 1960 के अंक के संपादकीय में राय सिंह लिखते हैं कि भारत का इतिहास इसी सच्चाई का साक्षी है कि अछूतों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कल्याण के लिए जितना उपकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उतना किसी अन्य नेता ने नहीं किया। हिंदू नेता अछूतों को केवल मधुर शब्दों से पुचकार कर उन्हें हरिजन के लेवल के सत्कार मात्र तक ही ले जाना चाहते थे। अछूतों में पैदा हुए संत महात्माओं ने भी इनके कल्याण के लिए यत्न किया, किंतु वह उस सिपाहियों या सैनिकों की भांति थे जो ईमानदार और वीर ही हुआ करते थे। तो युद्ध कला में कुशल हों और न ही उसके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हों जो दुश्मन के साथ भिड़ने में ठीक उपयोगी सिद्ध हों। बाबा साहेब ऐसे कुशल सैनिक थे जिनके पास चतुर और दक्षिणी शत्रु के साथ जूझने के लिए युद्ध सामग्री ही नहीं, परमाणु बम भी था। इसके आगे राय सिंह बाबा साहेब के विषय में कहते हैं कि सदियों से दबे, पिछड़े, अत्याचार पीड़ित अछूतों को अपनी बुद्ध विद्या और जीवन का ज्ञान ही नहीं, अपना बलिदान भी दिया। वे सूरवीर थे। इसी अंक में एक बौद्ध शास्त्री पुनर्जन्म समीक्षा के अंतर्गत लिखते हैं कि इस बात की दुहाई की जाए कि वर्ण व्यवस्था समाज की सबसे उत्तम व्यवस्था है, तो यह कहना अनुचित न होगा कि ऐसी दुहाई देने वालों के मस्तिष्क विचार करने की शक्ति खो चुके हैं जो आँखों के सामने चमकते हुए यथार्थ के सूर्य को भी नहीं देख सकते हैं। इसके आगे और लिखते हैं कि यदि कोई आत्मा अपने पिछले जन्म को पहचान सकती है तो उसे नया जन्म देख लेकर सीधा अपने माँ बाप, पति पत्नी, मित्र या अन्य बंधुओं के पास पहुंच जाना चाहिए। कहीं ढिंढोरी यह भी ढिंढोरा पीटते देखे गए कि अमुक योगी राज ने अपने पिछले 100 जन्मों के वृत्तांत को अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मालूम कर लिया। यह सब बातें निराधार और कोरा प्रोपोगेंडा है। पृष्ठ 17 पर है। पत्रिका ने पुनर्जन्म की बातों का तथ्य के आधार पर खंडन किया और अपने समाज को जागृत किया कि पुनर्जन्म के चक्कर में न पड़ें। इस अंक में R.L. कौशल की कहानी कड़वे घूंट भी छपी है। कवि N.R. प्रेमी, विरासत T.S. सुमन, गुरुचरण सिंह की कविताएं भी उक्त अंक में पढ़ी जा सकती हैं। धन्यवाद साथियों। अगली बार फिर हम एक नई पत्रिका के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बयान TV।
बयान टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। दलित साहित्य